Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सेमीफाइनल नंबर टू, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, एंड इंडिया हैज टेकन द रिवेंज फ्रॉम इंग्लैंड एज वेल, बिकॉज लास्ट T20 वर्ल्ड कप का उनका रिवेंज बाकी था। 10 विक्टोर्स इंग्लैंड ने हराया था, एक तरीके की हजीमत से दो चार किया था टीम इंडिया को। उसके बाद आई थिंक दैट वॉज द आई ओपनर फॉर टीम इंडिया। इसके बाद जो उन्होंने अपनी बॉलिंग लाइनअप को एक है कि ग्रूम किया है, और जिस तरीके से उन्होंने सिलेक्शन की है, और जिस तरीके के है कि परफॉर्मेंस आ रही है उनकी बॉलिंग साइड की तरफ से, इट्स ट्रूली ट्रिमेंडस। यानी उनके स्पिनर्स हैं तो माइंड ब्लोइंग है, उनके बॉलर्स हैं तो माइंड ब्लोइंग है। बुमराह इज जस्ट ऑन हिज पीक फॉर्म, एंड इसके अलावा अर्शदीप बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या ऑन दी अदर हैंड इज ट्रिमेंडस। जस्ट एक आई थिंक टीम ऑस्ट्रेलिया थी जिसके आगे टीम इंडिया की जो बॉलिंग है वो थोड़ी सी शेकी नज़र आई, वो भी शुरू के कुछ ओवर्स में। इसके बाद दोबारा से टीम इंडिया के बॉलर्स ने डोमिनेट किया, एंड इट इज़ बुमराह जो है कि पूरी लिफ्ट करते हैं, जो भी पेस बॉलिंग है उसको लिफ्ट करते हैं और लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव इज़ माइंड ब्लोइंग, अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक जो वीक लिंक है टीम इंडिया का अगर बॉलिंग साइड से बात करें तो आई थिंक इट इज़ जडेजा एंड पांड्या। समटाइम्स वो भी खैर अच्छा कर ही रहे हैं, बट आई थिंक जडेजा इन पिचेस पे ज़्यादा उनको इफेक्टिव होना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। थोड़ा सा जडेजा के हवाले से टीम इंडिया को डाउट्स होने चाहिए, बट वही बात है कि इतने मीन्स जडेजा के परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद भी, विराट कोहली द ग्रेट कोहली को परफॉर्मेंस ना देने के बावजूद भी, दे आर इन द फाइनल्स। दिस सम ऑफ द होल स्टोरी कि उनकी टीम ज़बरदस्त है, उनके पास जस्ट एक लेजेंडरी बैटर ही नहीं है, यानी कि कोहली नहीं है उनके पास, उनके पास हर बैटर ही आउटस्टैंडिंग है और पूरी टीम ही उनके मैच में ऐसे बड़ी हुई है। दैट्स व्हाई डिस्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट फेलियर ऑफ विराट कोहली एंड रविंद्र जडेजा, जो कि दोनों एक है कि एक बॉलिंग में और एक बैटिंग में बैकबोन समझे जाते हैं टीम इंडिया की, डिस्पाइट ऑफ देयर फेलियर्स इंडिया इज इन फाइनल, और वो भी बगैर कोई मैच हारे। साउथ अफ्रीका भी कोई मैच नहीं हारी अभी तक, दे आर अनडिफीटेड, एंड आपकी जो टीम इंडिया है वो भी अनडिफीटेड है। सो लेट्स सी क्या होता है। मुझे तो बस अब क्लियर है कि भाई टीम इंडिया ही जीतने वाली है। मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा इंग्लैंड शायद है कि उनको टफ टाइम दे दे, बट स्टिल आई वॉज थिंकिंग कि भाई इंडिया थ्रू कर जाएगा, और इंडिया इस बार सबसे बदले लेने आया है, बिकॉज टीम इंडिया है भी ट्रिमेंडस यार। क्या ज़बरदस्त टीम है, क्या इनका कॉम्बिनेशन है, क्या इनकी परफॉर्मेंस है। मतलब एक दो वीक लिंक होने के बावजूद भी इनकी बकिया जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है कि मींस एक दूसरे को ढक लेते हैं, एंड इसी तरीके की टीम्स होती हैं, उसी तरीके से टीम्स सर्वाइव करती हैं, एंड टीम इंडिया इसी तरीके से सर्वाइव कर रही है। एंड लास्ट चांस है विराट कोहली के लिए आई थिंक, बिकॉज पूरा T20 वर्ल्ड कप उन्होंने नहीं किया, और वैसे भी खैर बातें यही होती थी कि T20 वर्ल्ड कप में या T20 फॉर्मेट में अब विराट कोहली का काम नहीं है, तो अगर तो ये वर्ल्ड कप उनका इस तरीके का जाएगा तो फिर आई थिंक अगला वर्ल्ड कप वो नहीं खेल सकेंगे T20 का स्पेशली। तो मीन्स लास्ट चांस है विराट कोहली के लिए, और आई थिंक लास्ट चांस रोहित शर्मा के लिए भी है, बिकॉज आई डोंट थिंक के आगे ये है कि आपको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए नज़र आएंगे। तो लास्ट चांस है दोनों के लिए, एंड आई थिंक दोनों डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज परफॉर्मेंस इज माइंड ब्लोइंग है थ्रू आउट देयर करियर। एंड ऑल्दो आपके विराट कोहली तो अभी नहीं है कि चल सक रहे, बट स्टिल है कि इज़ अ लेजेंडरी प्लेयर, देयर इज नो डिबेट अबाउट इट, एंड फॉर्म इज टेम्प्रेरी, क्लास इज परमानेंट, एज है कि इट इज़ वॉट इट इज़, एंड बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस आई है टीम इंडिया की तरफ से। एंड बैटिंग में थोड़े से शेकी नज़र आ रहे थे, स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि भाई हो सकता है 172 इंग्लैंड की टीम कर जाए, क्योंकि जो उनकी अप्रोच है, बट जिस तरीके की बैटिंग बॉलिंग की है टीम इंडिया ने, भाई उनको उठने ही नहीं दिया, यानी उनको बस गर्दन से दबोच लिया तो दबोचे वही रखा, किसी को भी रेजिलियंस दिखाने का मौका नहीं दिया या किसी को भी फाइट बैक करने का मौका ही नहीं दिया। जॉनी बेरिस्टो एक बड़ी उनके पास बैटिंग लाइनअप है, बेरिस्टो हैं, हैरी ब्रूक है, मुइन अली हैं, आदिल रशीद भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, बटलर इटसेल्फ, एंड आगे भी आपके जो उनके ओपनर्स हैं, ट्रिमेंडस उनकी बैटिंग लाइनअप है, एंड ज़बरदस्त, लिटरली ज़बरदस्त। एंड आई थिंक अब ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, मुझे नहीं लगता कि भाई साउथ अफ्रीका कुछ है कि इंडिया को रोक सकेगी वर्ल्ड कप फ्लिप करने से। एंड आई थिंक एक जो जिंक्स है या एक जो एक चला आ रहा है, खला चला आ रहा है टीम इंडिया के लिए कि भाई वो कोई ICC ट्रॉफी कितने साल हो गए, कुछ 11-12 साल हो गए वो नहीं जीते हैं, आई थिंक अब ये एक है कि जिंक्स ब्रोक होने वाला है। एंड
जस्ट एक टीम जो इंडिया की टीम को टफ टाइम दे सकती थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, एंड ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने खेल नॉकआउट कर दिया एंड थैंक्स टू अफगानिस्तान एज वेल. तो आई डोंट थिंक अफ्रीका इंडिया के आगे टिक सकेगी. तो भाई इंडिया तो जीत रही है, इंडिया का जो जिंक्स है वो ब्रोक होने वाला है. इंडिया आई थिंक T20 वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद लिफ्ट करने जा रही है. एंड 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था वहाँ के रोहित शर्मा ने एज अ प्लेयर लिफ्ट किया था, एंड एज अ कैप्टन आई थिंक ये 24 का वर्ल्ड कप इज गोइंग टू लिफ्ट बाय रोहित शर्मा. व्हाट डू थिंक, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और बहुत ही ज़बरदस्त खैर बैटिंग भी इस पिच पर अच्छी की है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा टर्निंग पिच थी. एंड अक्षर पटेल, ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेयर ही इज़, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की है. अपने तीनों ओवर्स की पहली बॉल पे ही उन्होंने विकेट लिए और तीनों क्रूशल विकेट्स लिए हैं एंड कमर तोड़ के रख दी टीम इंडिया, सॉरी टीम इंग्लैंड की. एंड बहुत ही ज़्यादा एक है कि ट्रिमेंडस और डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है टीम इंडिया ने. एंड नाउ दे ट्रूली डिजर्व द वर्ल्ड कप. मतलब वही है कि लास्ट टाइम भी यही लग रहा था ODI वर्ल्ड कप में, बट आई थिंक जब उस वक्त सामने ऑस्ट्रेलिया थी और ऑस्ट्रेलिया के अलावा मुझे नहीं लगता और किसी ने इतना दमखम है तो इंडिया को चैलेंज कर सकते. आई डोंट थिंक सो. तो भाई वर्ल्ड कप तो इंडिया का है एंड ट्रेमेंडस भाई. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द फाइनल के टीम इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करें. एंड बुरा लगेगा डेफिनेटली साउथ अफ्रीका के लिए बिकॉज फर्स्ट टाइम एवर वो फाइनल में आए हैं एंड वो भी अनडिफिटेड रहे हैं, बट आई थिंक अभी तक साउथ अफ्रीका ने अपनी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है. ये भी खैर एक मेन पॉइंट है. इंडिया डोमिनेट करता हुआ आया है, इंडिया ने तमाम ही डोमिनेटिंग विक्ट्रीज हासिल की हैं डिस्पाइट ऑफ आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच ही थोड़ा उनका क्लोज गया था. इसके अलावा तो सब उन्होंने डोमिनेटिंग विक्ट्रीज ही हासिल की हैं. और साउथ अफ्रीका ऑन दी अदर हैंड मतलब क्लोज मार्जिन से हारते हारते जीतते हुए आ रहा है. सो लेट्स सी क्या होता है, किस तरीके की परफॉर्मेंस आती है. बट पता नहीं क्यों मुझे तो यही लग रहा है इस बार वर्ल्ड कप इंडिया का है. व्हाट डू थिंक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियंस आउट देयर, जो भी मेरी ऑडियंस मुझे इंडिया से देख रही है भाई बहुत मुबारक हो. तुम्हारी टीम बहुत ही ट्रेमेंडस है एंड योर टीम एंड यू एज अ नेशन ट्रूली डिजर्व दिस वर्ल्ड कप. एंड मुझे तो यही लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप लिफ्ट करने वाला है. सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. फाइनल भी होने वाला है, ट्रेमेंडस फाइनल होने वाले हैं एंड उसकी भी रिव्यूज आने वाले हैं एज सून एज पॉसिबल ऑन दिस चैनल. सो डू सब्सक्राइब टू दिस. अल्लाह हाफिज़.